चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज बातचीत किया जाएगा आपसे जीके प्लस करंट अफेयर्स के अंतर्गत अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। हम ये देखेंगे कहां से प्रारंभ हुआ, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेते हुए आज तक की हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्त, आज हम इस क्लास के अंतर्गत लेकर के चलते हैं आपको अनुच्छेद 370 के संपूर्ण अवलोकन पर। अनुच्छेद 370 के संपूर्ण अवलोकन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं एक स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट के क्रम पर ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में। यह एक स्टेटमेंट है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में, कथन किसका है, यह बात आपसे पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का हाईलाइटेड मुद्दा, तो यह बात कहा किसने, जहांगीर ने कहा। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कश्मीर की सीमा, अब देखिए यहीं से ये बात ध्यान दीजिए, कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राष्ट्रों के साथ लगती है या कितने राष्ट्रों के साथ संबंधित होती है, तो इस क्रम पर ध्यान देंगे कि यह हमारी प्रमुख रूप से होती है कितनी, तीन। किसके किसके साथ, अफगानिस्तान, हमारा चीन के साथ, और इसके साथ ही साथ हमारा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये तीन बात ध्यान देंगे कि कश्मीर की सीमा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे तीन देशों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, और हमारा किसके साथ, चीन के साथ प्रमुख रूप से लगती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कश्मीर को भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन भागों में विभाजित किया गया। ये बात ध्यान देंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण की बात हो रही है, जब आपसे राजनैतिक दृष्टिकोण की बात होगी तो राजनैतिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय में केवल दो भाग में बटा है, कौन सा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीन भाग, कौन सा, कश्मीर का ऊपरी हिस्सा हिमालय के काराकोरम श्रृंखला से घिरा है जो पूर्णतः बर्फ से ढका है, इसे लद्दाख के नाम से जानते हैं। अर्थात कश्मीर का जो ऊपरी भाग था जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ हिमालय के काराकोरम श्रृंखला का, उसको हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। दूसरा क्या है, नीचे आने पर कश्मीर का श्रीनगर है जिसकी सीमा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है, तो मतलब ये ऊपर का और ये कश्मीर का निचला हिस्सा। तीसरा, इसका तीसरा हिस्सा जम्मू क्षेत्र है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे इतिहास में जम्मू कश्मीर का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो ध्यान देंगे कि इतिहास में जम्मू कश्मीर का वर्णन कल्हड़ की राज तरंगिणी में किया गया है। कहां पर, कल्हड़ की राज तरंगिणी में। और अगर यह पूछा गया कि कश्मीर का नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो देखिए ऐसी मान्यता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा है। तो आगे के क्रम पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपने सूझबूझ से अधिकांश राज्य को भारत में मिला लिया था, ये चीजें सामान्य सी थी। और ये भी आप, बहुत सामान्य सी बात है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र राज्य रखने का निर्णय लिया जम्मू कश्मीर की के परिप्रेक्ष्य में, तो अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलों ने हमला कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान की सेना से मिला हुआ कश्मीर का हमारा पठान कबीला था, इसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और उसका परिणाम ही हुआ कि मजबूरी में आकर के या मजबूरन 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर में प्रवेश किया, और 1 जनवरी 1948 को भारत और ये जम्मू कश्मीर का मामला चला गया, कहां, जम्मू कश्मीर का मामला चला गया हमारा, सॉरी 1 जनवरी 1948, अच्छा एक चीज, एक मिनट ये ध्यान दीजिएगा, हाँ 1 जनवरी 1948 को भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। कुछ चीजें थोड़ी सी मिसिंग है, ध्यान देंगे कि अक्टूबर 1947 में जब ये हुआ था, तो अक्टूबर 26 अक्टूबर को ही यह मामला हमारा प्रमुख रूप से यहां पर हरि सिंह ने जब वो किया था,
तो दिसंबर में ये मामला हमारा चला गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर। अगले क्रम पर देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कहां पर गया था ये ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुरक्षा परिषद में गया था। आपसे ये बात पूछ सकता है, क्योंकि इसका वर्णन यहां नहीं, हम आपको बता देते हैं कि 48 के दिसंबर में यह मामला चला गया था कहां पर, यह मामला चला गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुरक्षा परिषद में, और जहां पे युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तब 1 जनवरी 1948 को भारत पाकिस्तान ने फिर यहां स्वीकार किया था। और इसमें जो सुरक्षा परिषद का जो निर्णय था उसने ये कहा कि वर्तमान समय में सेनाएं जहां हैं उसको वहीं पे स्थिर करके वहां दोनों के एक दूसरे को वहीं से बॉर्डर लाइन निर्धारित किया। ध्यान दीजिएगा कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 370 लागू हुआ, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा ये प्रावधान किया गया। आगे अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और इसे भारतीय संविधान में 14 मई 1954 ईस्वी को जोड़ा गया था, अर्थात इसको ये हमारा प्रमुख रूप से जो हमारी परिशिष्टिका थी ये 35A इसको इंक्लूड किया गया, इस लागू हुआ। अगर हम बात करें वर्तमान परिदृश्य की तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के भाग एक को छोड़कर सभी समाप्त कर दिया गया। किस आधार पर? देखिए अनुच्छेद 370 का भाग एक क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा लागू तथा राष्ट्रपति द्वारा निरस्त, अर्थात अनुच्छेद 370 उन्हीं के द्वारा किया गया था, उन्हीं के द्वारा हटाया जाएगा, ये प्रावधान आज भी वहां पर है। इसके अलावा बाकी जो तीन थे विशेषाधिकार वाले वो समाप्त कर दिए गए। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित यहाँ पे प्रदेश का दर्जा प्रदान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में एकल नागरिकता प्रदान की गई और पहले जम्मू कश्मीर और भारत दो नागरिकता वहां पर प्रचलित थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्र ध्वज हुआ करता था, वर्तमान समय में भारत का एक तिरंगा राष्ट्र ध्वज पूरे भारत का हो गया, वहां भी यही लागू हो गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, अब वो भी मतलब पूर्णतः लागू होगा। और इसके साथ दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे, वर्तमान समय में जमीन खरीद सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नियुक्त कर दिया गया है। आगे जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था, वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर आरटीआई व मानवाधिकार लागू नहीं था, अब आरटीआई व मानवाधिकार दोनों पूर्णतः वहां पर लागू कर दिया गया है। आगे ध्यान देंगे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं, तो 22 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो किश्तवाड़ है। और आगे ध्यान देंगे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, कौन कौन सा, लेह तथा कारगिल है, और लेह राजधानी है हमारी किसकी, लद्दाख की। आगे ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किस तिथि को हुआ था, तो 5 अगस्त 2019 को। ये काफी चर्चित मामला था, जीके और करंट के साथ कोरिलेट करके हमने प्रयास किया कि आप तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की, सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ नए मुद्दों के साथ जीके से कोरिलेट करते हुए पुनः हम आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।